सूरज है, इसकी रोशनी आती है। उसने कहा कि मैं आदमी को ढूंढ रहा हूं। कहा कि ये दुनिया में आपको नजर नहीं आ रहा है आदमी, बाजार पड़ा पड़ा है, बाजार में भरे हुए हैं आदमी। कहा यह आदमी नहीं है, ये कहा ये जो आपको नजर आ रहा है ये आदमी है, मर्द है, ये मर्द नहीं है, बस आदमी की सूरत है। असल में ये रोगी और सर्वत के मारे हुए मुर्दाए आनंद गुस्सा का, ये सर्वत के मारे हुए हैं, सर्वत के पीछे करने वाले हैं, रोटी के पीछे करने वाले हैं। जमीन भी खिलाफे आदमन, ये जो आप देख रहे हैं ये आदम के खिलाफ है, आदम नहीं है, आदम के खिलाफ नीच तंग आदम खिलाफे आदम, यह आदमी नहीं है, आदमी का ग्राफ है, आदमी के शक्ल में आदमी जो किया जो ग्राफ होता है उसके मान गुप्त आदमी 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 के लिए आदमी होना जरूरी है। लकड़ी होती है की, अगर उसके अंदर खुशबू ना हो तो वो लकड़ी जो ईंधन है वो लकड़ी और ये की दोनों आदमी आदमी का आदमी अगर ये आदमी है तो इसके अंदर आदमी होना लाजमी है, और नहीं है तो वो लकड़ी जो जलावन के लिए है और वो लकड़ी जो ऊन के लिए इसमें खुशबू होती है दोनों बराबर। आदमीयत ग्रह का शर्म कोई को नहीं थी, आदमीयत जुस लगा है दोस्त, आदमी गोश्त का नाम आदमी नहीं, खून का नाम आदमी नहीं, खाद का नाम आदमी नहीं। हमारा बदन है ना, इसके अंदर खून है, खाल है, जिसमें बाल है, रग है, इसका नाम आदमी। आदमी किसको कहते हैं? आदमी है जो लगाए थे, आदमी जो खुदा का दोस्त होता है वो आदमी है, खुदा के दोस्त के अलावा आदमी है कहलाए गए। आदम की जो खास औलाद है उसका जो सेवा है उसका जो तौर तरीका है वो न पाए इन्ना धरना, उनकी जबान से हर वक्त जबान से रब बना धरना आंख धरना वही रब का फिर लगा वधर करना रंगो नंगो का। अगर ये सेवा है तो हर वक्त ये पुकारता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए, जन्नत से दुनिया के अंदर भेजे गए, बहुत रोए, रोते रोते दरिया की शक्ल में पानी हो गया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक कलमा उसके ऊपर लिखा था, फरमाता है आदम ने वही कलिमा की बता पाए इन्नहु अल्लाह। वो कलमा क्या था? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। ये अगर सेवा हो जाए घर सूरत आदमी इंसान हुए अहमदो पूज हर साहब, अगर आदमी सब इंसान होते तो पूज आलम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्क ही होता कि वो भी इंसान ये भी इंसान था, लेकिन कितना बड़ा फर्क है कि एक काफिर है एक मोमिन। आदमी जब अमल करता है
करती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खा के अपने फिक्र के जरूरी है जाना। तो वही नफा है इन्ना लाना भी जाना, यानी आगे बढ़ आगे फरदन्ना के पास आ जाना, नफा है इन्ना लाना भी जाना। तो आदमी का ये सेवा होना चाहिए, कोई गलती हो पता हो। और इस रात के अंदर रोना बिखेरना तौबा करना, इस रात में सबकी रक्षित होती है। माँ बाप का नाम पर माँ की रक्षित नहीं होती, शराब पीने वाले की रक्षित नहीं होती। लेकिन अगर ठीक से तौबा करें, माँ बाप का मलियो परमा प्रधान बन जाए, अगर दुनिया में मलियो परमा प्रधान नहीं था, मरने के बाद माँ बाप के लिए दुआएं कर रहा है वो मलियो परमा प्रधान कर रहा है। इसलिए इस रात में आप लोगों को, हम लोगों को, तमाम इंसानों को कुछ न कुछ मानना चाहिए। अरे मुस्तफी अस्तफिरुल्लाह है, कोई मानने वाला कि मैं उसके लिए क्या करूँ, अस्तफिरुल्लाह उसके लिए मफ़िरत करूँ। इसलिए अल्लाह का दरवाजा खुला हुआ है, अच्छा है कोई नज़र भी करूँगा धन बन गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि गुनाह करने वाला है। जैसे माँ के पेट से आदमी पैदा हुआ हो, वो माँ के पेट से बच्चा पैदा होने वाला मासूम होता है, इसी तरीके से गुनाहों से तौबा करने वाला अल्लाह के नजदीक क्या है, वो बेगुनाह हो जाता है। इसलिए रोड़ों पर कभी नमाज का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। अगर किसी को तौफीक आखिर रात में जगने की नहीं है, तो इस वक्त जग करके दो रकअत नमाज पढ़ लें, कम से कम दो रकअत, जितनी और ज्यादा पढ़ना चाहें, दस रकअत, बारह रकअत, इतना पढ़ना चाहें तिलावत करें, अल्लाह तआला को राजी करें और अल्लाह तआला के हुक्म फरमान बनते हैं और उसे ही माने। उसके डर के अलावा कोई डर नहीं है कि जहाँ हम मांगे हैं अल्लाह ताला हमें पहले से